राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम के लिए निकल चुके हैं, मंत्री राजीव चंद्रशेखर उनको गए उनके साथ एयरपोर्ट पर, और अब वो राष्ट्रपति बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम पहुंचेंगे और वियतनाम में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो वियतनाम में राष्ट्रपति बाइडेन G20 के बाद जाकर क्या कहते हैं ये अपने आप में बहुत अहम होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर उनको 9/11 के समारोह के लिए अमेरिका पहुंचना है। बिल्कुल, देखिए अभी कई सारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक्सपेक्टेड हैं आज ही, और बताया जा रहा है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि वो शायद जल्दी में थे इसलिए नॉर्मली इधर 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 ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें देखिए जो मीटिंग शुरू होनी है थर्ड समिट इसमें ये अहम ये है कि राष्ट्रपति जोको विडोडो, फिर प्रधानमंत्री मोदी, फिर लुला डी सिल्वा, यानी कि वो देखिए जोको विडोडो इधर हैं, हैंडओवर है। जोको विडोडो पिछले अध्यक्ष थे, इंडोनेशिया पिछला अध्यक्ष था G20 का, उसके बाद अब भारत है और भारत के बाद अब ब्राजील होगा। तो ये तीसरे सत्र की वन फ्यूचर की लाइव तस्वीरें हैं जिसमें आप इसमें देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दाईं तरफ यानी आपकी स्क्रीन में बाईं तरफ जोको विडोडो बैठे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के बाईं तरफ यानी हमारी स्क्रीन पर दाईं तरफ लुला सिल्वा है। तो ये एक तरफ जोको विडोडो इंडोनेशिया, दूसरी तरफ लुला सिल्वा ब्राज़ील, दिखाता हुआ कि अब अगला अध्यक्ष ब्राज़ील होगा, और ब्राज़ील के लिए जिस तरीके से हम भारत की प्रेसिडेंसी की बात कर रहे थे वो ब्राज़ील के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है कि इतना एक तो बहुत ही सफल समिट, उसमें डिक्लेरेशन और जिस तरह का आयोजन है, और G20 को जिस लेवल पर ले गए हैं भारत, सफलता इस वजह से क्योंकि जिस तरीके का इस वक्त वैश्विक हालात बने हुए हैं, वॉर भी है, मंदी भी है, हर तरीके से, ऐसे में एक प्लेटफॉर्म पे ये सारे एक साथ आना, 100% कंसेंसस बनना और उसके बाद डिक्लेरेशन भी होना जिसको लेकर कहा जाता है कि नहीं आएंगे, तो ऐसे में ये एक सही में ब्राज़ील के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जिस तरीके का बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा से लेकर हर चीज़ का बंदोबस्त किया गया है, और ऐसे में जो भव्यता यहाँ पे वो देख के जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसको मैच करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब देखना होगा कि क्या वाकई मैच कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन ये सफल समारोह जो कि अभी तक हुआ है ये ज़रूर काफ़ी लंबे समय तक याद रहने भी वाला है, क्योंकि इसने G20 को ये कहना शायद अब गलत नहीं होगा, G20 को एस्टैब्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय जो एक फोरम जो पिछली सदी में UN था और उसके बाद फिर UN क्यों उस तरह का फोरम नहीं बन पाया, उसकी कई वजह रहीं, वो जो कोल्ड वॉर थी, कम्युनिस्ट ब्लॉक और पश्चिम की, उसके बीच में UN का अहम रोल था। अब जो जिस तरह का विश्व है, जैसा वैश्विक परिदृश्य है, उसमें इन 20 देशों का, जिसमें क्योंकि ग्लोबल साउथ भी है, वो विकासशील देश जो अगुवाई कर रहे हैं कम विकसित देशों की, वो विकासशील देश जैसे भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये वो विकासशील देश हैं जो कम विकसित देश हैं उनकी अगुवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विकसित देश हैं जो जिनको इन कम विकसित देशों का न सिर्फ बाजार की ज़रूरत है बल्कि इनसे कई तरह के और भी ताल्लुकात रखने हैं। तो ये और इसी में रूस भी है, चीन भी है, अमेरिका भी है।